गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी भाषा व्याकरण में एक छोटा सा भाग देखने वाले हैं जिसका नाम है भाषा। भाषा मतलब क्या? व्हाट इज लैंग्वेज? प्रिय विद्यार्थियों, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे बातें करते होंगे, वो भी आपसे बातें करते होंगे। आप अपने घर पे अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने भाई बहन, अपने चाचा चाची, इन सबसे बातें करते होंगे। वो लोग भी आपस में मिलकर बैठ कर बातें करते होंगे। आप अपने पड़ोसियों के साथ बातें करते होंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड मुंबई में रहता है, पुणे में रहता है, तो उनसे भी आप बातें करते होंगे। अगर आपका कोई रिलेटिव्स दुबई में रहता है या फिर यूके में रहता है, तो वाया फोन थ्रू या फिर वीडियो कॉल करके उनसे भी आप बातें करते होंगे। इस संसार में हर कोई बातचीत करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इससे एक बात समझ में आती है, भावों और विचारों का आदान प्रदान करना या फिर भावों और विचारों की लेन देन करना, इसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। और देखते हैं भाषा की डेफिनेशन, भाषा किसे कहेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। फिर से देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। यहाँ पे दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला है बोलकर और दूसरा है लिखकर। बोलकर और दूसरा लिखकर। ये भाषा, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैं बोलकर समझा रहा हूँ, ये क्या हो गया फिर? ये भाषा का मौखिक रूप हो गया, इसे क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। और ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ, ये लिखित रूप में भी समझा रहा हूँ, लिखकर समझा रहा हूँ, ये क्या हो गया फिर? लिखित भाषा। मतलब भाषा के दो रूप हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। देखो मौखिक भाषा मतलब क्या? देखो मौखिक भाषा मतलब जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कि रेडियो है, टेलीविजन मतलब टीवी, इन पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम या फिर वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता या फिर किसी भी घटना का जब हम मौखिक रूप में वर्णन करते हैं, मौखिक रूप में किसी को समझाते हैं, तो वो क्या हो गई? मौखिक भाषा हो गई। तो उसे हम क्या कहेंगे? भाषा का मौखिक रूप कहेंगे। आप लोग तो जानते हैं कि जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तब लोग मौखिक रूप से ही अपने अनुभवों, अपने विचारों को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तब लोग क्या करते थे? मौखिक रूप से ही अपने विचारों को, अपने भावनाओं को अगले पीढ़ी तक पहुंचाते थे। अब देखते हैं भाषा का दूसरा रूप, जिसे हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब क्या? देखो जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप में हम देखेंगे जैसे कि हमारे पाठ्य पुस्तक है, रामायण है, महाभारत है, जो भी ग्रंथ लिखे हैं, लेखन कला की वजह से ही हम आज क्या करते हैं, जो प्राचीन काल में जो वेद, जैसे कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इन वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर प्राचीन जो ग्रंथ लिख चुके हैं उससे हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। किसकी वजह से? लेखन कला की वजह से या फिर लिखित भाषा की वजह से ही आज हम क्या कर सकते हैं, तो प्राचीन काल में जो भी लिखा गया है तो आज हम उससे क्या कर सकते हैं? ज्ञान प्राप्त।